नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना संकट का फायदा उठाकर चीन भारत की कई कंपनियों में निवेश करना चाहता था, लेकिन भारत ने अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियम को सख्त कर दिया। भारत के इस फैसले के बाद चीन अब भड़का हुआ है। एफडीआई के नए नियमों के तहत अब भारत की सीमा से जुड़े किसी भी देश को निवेश के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि भारत से पहले चीनी कंपनियों को रोकने के लिए कई अन्य देश पहले ही एफडीआई के नियमों को कड़ा कर चुके हैं। इसी बीच चीन की सरकार का मुखपत्र कहलाने वाले सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख लिखा है, जिसमें भारत को धमकी देने की कोशिश की गई। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, चीन की वर्कफोर्स को शुक्रिया, अब देश अपने लिए और पूरी दुनिया के लिए मेडिकल सप्लाई करने में सक्षम। हालांकि भारत सरकार ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है और विदेशी निवेश के नियमों को सख्त करने के लिए कोरोना संकट को वजह बता दिया। भारत मेडिकल सप्लाई के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है। फार्मेक्सेल डेटा के मुताबिक भारत अपनी दवाइयों का ज्यादातर कच्चा माल चीन से ही खरीदता था। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है, भारत को इस बात की चिंता है कि कोरोना वायरस संकट का फायदा उठाते हुए चीन भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण कर सकता है और कुछ भारतीय सेक्टरों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, लेकिन ये डर पूरी तरह से गैर जरूरी है। भारत सरकार का ये कदम वैकल्पिक था, क्योंकि पहले की नीतियां ही किसी भारतीय कंपनी को अधिग्रहित होने से बचाने में सक्षम थी। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि भले ही इस फैसले के बाद भारत के लिए दूसरे दरवाजे खुल गए और भारत में अपना कारोबार रिलोकेट करने की संभावना तलाश रही जापानी और दक्षिण कोरियाई कंपनियों को मौका मिल जाए, लेकिन भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन की जगह कोई और नहीं भर पाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि चीनी कंपनियों के लिए भारत का बंद दरवाजा मौकों की दूसरी खिड़की भी खोल सकता है। कई चीनी कंपनियां महामारी खत्म होने के बाद विदेशों में अपना विस्तार करना चाहती हैं और वे इसके लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का रुख कर सकती हैं। अगर भारत चीनी कंपनियों के लिए असुरक्षित साबित होता है तो फिर वे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपना कारोबार बढ़ाएगी, जो चीन की मदद लेने के लिए ज्यादा इच्छुक है। ऐसे में भारत सरकार के लिए मुश्किल ये है कि अगर वो चीन के लिए बाजार को खोलती है तो चीन कई कंपनियों में इन्वेस्ट कर भारत बाजार को रेगुलेट कर सकती है, और अगर नियमों को सख्त करती है तो मुश्किल है चीन से इन संकट काल में दवाइयों के लिए कच्चे माल की कमी का होना। अब देखना यह है कि मोदी सरकार चीन की इस धमकी का कैसे जवाब देती है।